अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, सर्दियाँ आ गई तो मैंने सोचा सर्दियों का स्पेशल जो तोहफा है साग, सबका पसंदीदा, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ उसकी भी रेसिपी शेयर करूं। तो मैंने आज अपना फेवरेट वाला जो है वो, फेवरेट तो नहीं ये कह सकते, ये कहूंगी कि साग वाला जो है वो मैंने स्पेशल देगचा आज निकाला है। और ये सिर्फ मैंने साग बनाने के लिए ही लिया है। तो साग मैंने काट लिया हुआ है और धो के अच्छे तरीके से, साग तकरीबन 2.5 किलो साग था, उसमें मैंने 1 गट्ठी बाथू की और 1 गट्ठी ही तकरीबन 1 किलो के करीब गट्ठी थी पालक, वो मैंने काट के तो इसमें डाल दिया। अब इसमें मजीद मैंने क्या डालना है ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। ये मैंने अदरक कद्दूकश कर लिया, बड़ा सा अच्छा खासा टुकड़ा जो है वो मैंने अदरक का कद्दूकश कर लिया। ये हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चों को आपने इस तरह से डंडियाँ उनकी तोड़ के, तो आपने उनको दरमियान में से 2 पीसेस कर लेने हैं, ठीक है। ये साथ हमारे लहसुन है, लहसुन के तकरीबन 2 गठियाँ मैंने ली थी और वो छीन ली हैं। और ये प्याज है दरमियानी साइज़ की, जो 2 प्याज थी वो मैंने ली। अगर आपके पास बड़े साइज़ का प्याज है तो आप 1 भी ले सकते हैं। अच्छा, बहुत ही आसान तरीके से ये साग बनेगा। और अगर आप किसी और तरीके से बनाते हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप एक बार इस तरीके से बना के देखें। ये सब कुछ हमने इकट्ठा इसमें डाल दिया और हम इसमें इसको पकने देंगे। अच्छा, मैं 100% कह सकती हूँ कि ये बहुत मज़े का साग बनता है। और जब ये बन के तैयार होगा तो आपको इसको बार बार अलग अलग से तड़का लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अच्छा, इसमें तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच जो है वो नमक जाएंगे, क्योंकि साग माशाल्लाह से हमारा काफ़ी सारा था और नमक हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच ही हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसमें हल्दी वगैरह और हमने कुछ भी नहीं ऐड करना, सिर्फ नमक और हमने जो है वो थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। और इसी तरह से अब हम इसको पकने देंगे। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट रख दें, आजकल वैसे ही पाकिस्तान में गैस का मसला है तो हम नहीं रख सकते, जाहिर बात है। तो जब तक पकेगा ये पकाऊंगी मैं, फिर इसके बाद इसकी फाइनल शक्ल मैं आपको दिखाऊँगी। और आपने इसको इसी तरह से ढक के अच्छी तरह से आपने इसको पकाना है। और ये जो मिट्टी की हंडी है, इसकी ये खासियत है कि जब ये गर्म हो जाती है तो साग को या कोई भी चीज़ आप पका रहे होते हैं तो इसका जो है वो चारों तरफ से जो है ना इसको सेक लगता है और जो है ना ये अच्छी तरह से और बड़ी जल्दी हो जाता है। तो मैं तो इसको ओवरनाइट रखती हूँ, तो तकरीबन आधी रात तक या जब भी आँख खुलती है तो बीच में उठ के मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ, तो सुबह तक साग तैयार हो जाता है। तो अब खैर वो मसला नहीं है, मामला नहीं है। तो अभी तकरीबन 2-3 घंटे अभी पकेगा, सुबह जब ये तैयार होगा तो मैं इंशाल्लाह ताला इसकी फाइनल शक्ल जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस ये टोटल यही रेसिपी है और इसमें आपने कुछ भी नहीं ऐड करना, हरी मिर्च, बाकी सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया। दोबारा से बताऊंगी तो वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, तो आपने इस तरीके से लाजमी जो है वो साग बनाना है। हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे इस तरह से और बिल्कुल ये बंद हो गया चारों तरफ से बिल्कुल, और ये अच्छी तरह से अब पकता रहेगा। अच्छा जी, तो साग की कहानी हमारी कहाँ तक पहुँची मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये इस तरह की हमारी कुछ साग की शक्ल हो गई है। हमने इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और फिर इसको हम घोटेंगे। तो घोटने वाला डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, बस मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा चम्मच चला रही हूँ। ये काम पारो करेगी, क्योंकि शामी कबाब हो या ये साग हो मेरे से नहीं घोटा जाता, तो ये यही घोटेगी। और फिर घोटने के बाद जो इसकी फाइनल शक्ल होगी तो मैं दिखा दूँ। मैंने कहा चलें दरमियान वाला प्रोसेस भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये इस तरह का हो गया है। और इसका पानी ड्राई करने के लिए मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया और बकाया हम इसमें देसी घी थोड़ा सा हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। अच्छा जी, साग हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखें, ये इस तरह का आपने इसको घोट लेना, बिल्कुल ही पाउडर तो नहीं बनाना। अगर बिल्कुल हमने पाउडर बनाना हो तो हम फिर इसको ग्राइंड ही करेंगे। तो हम हाथों से जितनी मेहनत कर सकते थे मैंने और पारो ने, हम दोनों ने मिलके मेहनत की है। तो अब हमने पहले इसमें 1 चम्मच ये वाले हमने भर के 2 चम्मच इसके इसमें देसी घी के डाले थे कि ताकि इसमें से पानी खुश्क हो जाए। अब हमने इसको घोट लिया अच्छे से और हम थोड़ा सा देसी घी और डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और जब देसी घी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा तो आप इसको चाहें तो स्टोर कर लें, चाहें तो खा लें, जैसे मर्जी आप रख सकते हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इसको बार बार आपको तड़का लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इस वजह से नहीं पड़ेगी कि हमने इसमें लहसुन अदरक प्याज हमने सब कुछ डाल दिया, हरी मिर्चें। अच्छा, हरी मिर्चें जो हमने डाली थी, हमने जब हमने इसको किया
जब हमने इसको कूटा अच्छे तरीके से, इसको हमने क्या किया, घोटा। हाँ, तो वो जो मिर्चों के छिलके थे वो हमने ऐसे हमने सारे निकाल लिए, कि ये क्योंकि ज़ाहिर साग जो है वो स्मूथ सा होता है तो उसमें छिलके तो फिर बुरे लगते हैं, तो हमने सारे छिलके निकाल लिए थे क्योंकि मिर्च का छिलका जो है वो नहीं गलता। तो ये देखें अब साग जो है अब अच्छा हल्का हल्का थोड़ा सा ऑयली भी हो जाएगा, पहले थोड़ा ड्राई था। तो ये देखें हम बहुत ज़्यादा भी हम देसी घी इसमें नहीं डालेंगे, वो अपनी चॉइस होती है, कुछ लोग कम खाते हैं कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, तो अगर किसी ने ज़्यादा लेना हो तो जब हम गर्म करके खाने लगेंगे तो हम अपनी प्लेट के ऊपर भी हम रख सकते हैं। तो ये बस साग की जो है वो फाइनल शक्ल है, ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए एक और छिलका नज़र आ गया, ये भी हम उठा लेंगे। तो इस तरह से आपको जो जो नज़र आते जाएँ वो आप उठा लें, ठीक है। ये देखें ऑयल भी हमारा अच्छा सा इसमें आ गया है और साग बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो आज बड़ी मेहनत की है हमने, मेरे बाजू बिल्कुल थक गए हैं, तो इसी मेहनत के लिए ढेर सारे लाइक और ढेर सारे सब्सक्राइब्स, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह मेरी पूरी कोशिश होती रहेगी कि अच्छी अच्छी देसी चाइनीज़ जो जो मुझे आती हैं तो मैं आप लोगों के साथ वो जो है वो डिशेस बना के शेयर करूं, और जो मैं शेयर करूं, बाकी आपका जो काम है वो आप करें। मेरी वीडियोस को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, दुआओं में याद रखें, और आप सबको मेरे एक एक सब्सक्राइबर को, मेरे एक एक व्यूअर्स को अल्लाह ताला बहुत बहुत खुश रखे, और इसी तरह इंशाल्लाह ताला साथ रहेंगे। मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दिखाती रहूँगी, और आप लोग देखते रहें और आप लोग भी बनाते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।